सो हे गाइस, वेलकम टू पेरिल गेमिंग। तो गाइस आज अपडेट है, अपडेट के बाद क्या क्या आने वाला है सब कुछ यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। तो गाइस देखो अपडेट, ये अपडेट एकदम मक्खन वाली अपडेट है। सबसे पहले आप लोग बोलेंगे यार, नहीं अभी अपडेट बताने के बाद आप लोग बोलेंगे वाह भाई क्या अपडेट बताया, मजा आ गया। अगर ना बोलोगे तो भी चलेगा यार। सो गाइस यहाँ पर जो भी अपडेट है, जो भी फ्री चीज़ें हैं, जो भी सब कुछ भाई अपडेट के बाद क्या होगा फुल डिटेलली बताने वाला हूँ। और गाइस बेस्ट अपडेट है भाई, ये तो बेस्ट अपडेट है। सो यहाँ पर लिकोटा कैरेक्टर, यहाँ पर आप देख सकते हो यार, ये लिकोटा कैरेक्टर है आज की टॉप अप इवेंट में भी आ सकता है। पैसा ही पैसा होगा। और यहाँ पर नया वेपन ऑग, तो गेम में उधर इधर मिल जाएगा आपको। तो और गाइस क्लैश स्क्वाड गोल्ड 3 जाने पे आपको G18 का स्किन फ्री मिलेगा। और यहाँ पर ये बंडल भी शायद से यार फ्री मिलने वाला है, सब कुछ यूट्यूबर ने बताया ये फ्री मिलने वाला है। सो गाइस अभी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर। सो गाइस यहाँ पर मैं जो पैच नोट्स है उस पर जाके जो भी वहाँ पर अपडेट होने वाला है सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइस अभी आप स्क्रीन को भाई थोड़ा क्या बोलते हैं पैट्रॉइड में बड़ा कर लो, क्योंकि ये छोटा हो गया। अब इसमें पढ़ो या ना पढ़ो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है ना बस यार। सो गाइस देखो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, ये जो अपडेट है थर्ड एवोल्यूशन का अपडेट है। यहाँ पर क्लैश स्क्वाड में जो चेंजेस होने वाले हैं सब कुछ बताने वाला हूँ। सो ये ऑलरेडी मैंने पूरा पढ़ लिया है, आपको बस बताने वाला हूँ। आपको क्लैश स्क्वाड रैंकड मोड में अगर आप गोल्ड 3 पे जाते हैं तो आपको मिलेगा G18 का स्किन परमानेंट। गोल्ड 3 पे अगर जाते हैं तो ऑलरेडी मैं तो अभी गोल्ड 3 पर हूँ, ऑलरेडी रहूँगा यार, क्योंकि हीरो एक जो बंदे रहते हैं ना उन सारे को गोल्ड 3 पे भेज देंगे यार, आराम से आपको मिल जाएगा G18 का स्किन। और यहाँ पर हॉरिजलिन रिवाइव किट है भाई, जब आप नॉक बड़े होते हो तो आप इसको यूज़ करके खुद हील हो सकते हो, ये बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है। सिर्फ क्लैश स्क्वाड में मिलेगा आपको, क्लैश स्क्वाड में, सिर्फ क्लैश स्क्वाड में, ये रैंकड में और क्लासिक में नहीं मिलेगा। और एम असिस्ट, गाइस एम असिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ठीक है भाई। जब एक बंदा डाउन, एनिमी साइड में एक बंदा डाउन हुआ रहता है और एक बंदा जिंदा होता है, यानी कि लाइफ खड़े होता है, जब आप खड़े हुए वो जो बंदा रहता है ना जब उसको मारते हैं तो वो एम जो डाउन हुए रहता है ना उनको चले जाती है। ये एम असिस्ट ऐसा है कि अपडेट के बाद होने वाला है, अगर जो डाउन और खड़े अगर आप सीधा गोली चलाते डाउन हुए वाले बंदे को नहीं जाता है, सीधा जो बंदा खड़ा होता है ना उसको जाता है। ये बहुत अच्छा वाला बग है यार, इसको ये लोग क्या कर रहे हैं अपडेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है गाइस। अरे कहना क्या चाहते हो, एक बंदा खड़ा है जब आप मारते हैं तो डाउन हुए वाले बंदे को एम चले जाता है तो भाई बहुत नुकसान है, ठीक है, वो सामने वाला जो खड़ा वो बंदा है आपको मार देगा। एम असिस्ट के बाद, ये अपडेट के बाद जब आप मारोगे तो जो खड़ा है ना बंदा उसको ही गोली लगेगा, जो डाउन हुआ रहता है ना उसके पास एम नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गाइस गेम प्ले में एक स्पॉन आइलैंड नया आएगा, जो कि आपको पता है अंदर वाला लॉबी जो बोर्ड दिखाता है ये टॉप है, ये टॉप 2 है, ये टॉप 3 है बैडजेस में। और क्राउच एंड अनक्राउच मैकेनिज्म, गाइस जब बैठता है बंदा जब उड़ता है ना तब हेडशॉट लगने का जो ज़्यादा चांसेस हो रहा है, ये जो स्क्रिप्ट भाई एकदम स्क्रिप्ट जैसा है इसको भी थोड़ा हटा रहा है, बग ठीक कर रहा है। और गाइस व्हीकल्स में स्पीड बढ़ा दिया है, और एक व्हीकल का स्पीड कम कर दिया, जैसे कि ऑटो का 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया, जीप का भी 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, मोटर बाइक का भी 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, और SUV क्या है पता नहीं लेकिन 10 किलोमीटर इसमें घटा दिया। मे बी यार हो सकता है ब्लैक कार, जो कि लैम्बोर्गिनी बोलते हैं आप लोग, SUV मतलब मॉन्स्टर ट्रक भी हो सकता है गाइस, पता नहीं 10 किलोमीटर कम कर दिया। ड्राइविंग मैकेनिज्म, सो गाइस यहाँ पर पता नहीं क्या एक मिरर वाला ऑप्शन आ रहा है, कैमरा मूवमेंट, जब आप फास्ट जाते हैं तब आपको एक जूम, थोड़ा जूम दिखाई देगा, ठीक है जूम ऐसा कुछ बोल रहे गाइस। और ग्लिडर पे भी थोड़ा चेंजेस है, कुछ नहीं भाई, जब आप हाइट पे रहते हैं उधर से आपको नीचे आना है, थोड़ा फास्ट मूवमेंट थोड़ा फास्टर हो जाएगा नीचे आने टाइम पे। और गाइस हेल्थ रिजनरेशन, बहुत सारे बंदे यार जोन के बाहर खड़े होकर भी बोया ले रहे हैं, मेडिकेट हीलिंग अलॉग सब यूज़ करके इसको भी हटा दिया इन्होंने, और इसका भी हाल ढूंढ लिया। अगर आप जोन के बाहर बुया लेने के लिए सोच रहे हो तो ना हो पाएगा अपडेट के बाद। और गाइस नया गन आने वाला है AUG, इसमें ये ARM गन है और XMAT जैसा है, क्योंकि ऑलरेडी 2X स्कोप इसमें रहेगा, और ये मिड रेंज गन है, लॉन्ग रेंज भी नहीं है, शॉर्ट रेंज भी नहीं है, मिड रेंज है, बहुत अच्छा रहेगा, लॉन्ग रेंज में भी यूज़ आएगा, शॉर्ट रेंज में भी यूज़ आएगा। और गाइस AK में भाई, AK आजकल तो कोई यूज़ नहीं कर रहे, इसके लिए यहाँ पर भी AK में चेंजेस है, मैक्सिमम डैमेज बढ़ा दिया है, मिनिमम डैमेज बढ़ा दिया है, रेट ऑफ फायर कम कर दिया, और प्रीसेट शॉट्स भी यार कम कर दिया, प्रीसेट शॉट्स जितना कम रहता है उतना अच्छा है, ठीक है।
फार्मर्स गाइस, ये भाई फार्मर्स जब रख लेते हैं तो मूवमेंट स्पीड बहुत स्लो होता है ना, इसलिए फार्मर्स रख लेने के टाइम को आपको 10% मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। बहुत बढ़िया चीज़ है ना। और M24 ने तो आजकल कोई भी यूज़ ही नहीं कर रहा है, ये मैं बता देता हूँ। वन ऑफ द वीकेस्ट एयर ड्रॉप्स वेपन, हाँ भाई वन ऑफ द वीकेस्ट बोल सकते हैं। वी आर गिविंग इट ए मेजर बफ दिस पैच सो इट कैन बी प्रोवाइड सरप्राइजिंग फायर इफेक्टिवली। इसमें थोड़ा बढ़ा दिया गया, स्प्रीशेड शॉट्स देख सकते हो 12 कर दिया, बहुत बढ़िया। और गैस मिनिमम डैमेज भाई 21 कर दिया भाई, ओ भाई। मैक्सिमम रिकॉयल -18, भाई सब कुछ अच्छा कर दिया M249, कतई जहर गन बन जाएगा। और गैस स्पैस भी यार कम यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका डैमेज भी मिनिमम 6 से लेकर, ये अभी 6 था अभी इसको 7 कर रहा है भाई, इसमें तो कोई ऐसा वैसा नहीं होगा। एक्समेट गाइस, एक्समेट हैज बीन वन ऑफ द टॉप ऑफ द एयर लिस्ट फॉर ए वाइल नाउ। वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज दिस इज वेपन इज सो फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू यूज़। हाँ भाई एक्समेट बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। वी आर मेकिंग सम एडजस्टमेंट टू एक्समेट दिस पैच सो इट विल बी डीपर लर्निंग करो। अरे यार प्रिसेज शॉट्स देखो, यानी कि 3 कर दिया भाई, 4 से 3 कर दिया, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा वहाँ पर, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। गेम मोड वेपन प्रेजेंट्स, हाँ अच्छा अवेलेबल इन TDM किल सिक्योर्ड एंड रैम्पेज। अरे भाई इस मोड्स के बारे में तो यार छोड़ दो यार, ये बस एक ही मोड के बारे में बताऊँगा, गन किंग जो सिर्फ सोलो खेले रहा था, इसको स्क्वाड बना दिया, अपने दोस्तों के साथ खेल ले। और नया कैरेक्टर, नया पेट भाई, नया कैरेक्टर होने वाला है लोकोटो। ये भाई हेल्थ, आपका हेल्थ जो 200 रहता है ना, एक किल करते हो तो आपका हेल्थ 207 हो जाएगा, 207 भाई ज़्यादा हो जाएगा हेल्थ का स्पेस जो है 200 से बढ़ जाएगा, ठीक है। और न्यू पेट मिस्टर वैगर, ये भाई ग्लूवाल देती है, पेट जो है ग्लूवाल देती है जब आपके पास ग्लूवाल नहीं रहता है थोड़ा टाइमिंग के बाद, ठीक है। अलॉक जैसा है, टाइम के बाद ग्लूवाल देती है, ठीक है, 2 ग्लूवाल मैक्सिमम देती है भाई, ये इतना बता दिया इन्होंने। और गाइस यहाँ पर एक और कैरेक्टर अपग्रेड होने वाला है हायोटा को, भाई आप फायर ब्रांड हायोटा कर सकते हैं सेकेंड अवेकन कैरेक्टर, क्योंकि फर्स्ट अवेकन कैरेक्टर केली है। सो गाइस अपडेट कैसा लग रहा है भाई आपको, जहर लग रहा है ना। और एक्टिंग गिल्ड लीडर, और गाइस यहाँ पर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, अभी पढ़ लेता हूँ यार। फ्रॉम द लास्ट अपडेट वी रिसीव्ड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक ऑन द एडिशनल मैनेजमेंट टूल्स वी हैड एडेड टू द गिल्ड। हाउएवर वी गॉट फीडबैक दैट द बिगेस्ट पेन पॉइंट ऑफ सम गिल्ड इज व्हेन द गिल्ड लीडर इज नो लॉन्गर एक्टिव वी आर गोइंग टू ऐड सिस्टम फॉर गिल्ड मेंबर्स टू वोट ए टेम्पररी गिल्ड लीडर सो दैट गिल्ड लीडर कैन रिमेन एक्टिव व्हेन विदाउट इट्स ओरिजिनल लीडर। ओ भाई क्या अपडेट है, जब आपका गिल्ड लीडर एक्टिव नहीं रहेगा ना, आपको एक ऐसा ऑप्शन देगा कि आपको गिल्ड लीडर कौन चाहिए। ओ भाई ऐसा तो भाई यार गिल्ड का हालात बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार और पढ़ लेना आप लोग यार पैच नोट्स को, ठीक है। और बग फिक्स ऑप्टिमाइजेशन, यार बग कुछ वगैरह वगैरह बग रहती है ये भाई, आजकल इवेंट में बहुत बग जा रहा है, इस बग का भी हॉल इन्होंने ढूंढ लिया होगा, और यहाँ पर बता रहे हैं कि HUD स्कोप वगैरह वगैरह। सो गाइस इतना ही अपडेट है। और गाइस M1887 का स्किन आज वेपन रॉयल में आ सकता है, नहीं तो भाई ग्रोजा का आ सकता है आज रात 12 बजे के बाद। घोरा बोल रहा हूँ, ग्रोजा यार इधर उधर हो जाती, सॉरी यार, ग्रोजा और M1887, ठीक है, वेपन रॉयल में आ सकता है दोनों में एक, और डायमंड रॉयल तो पता नहीं यार, लेकिन आज रात 12 बजे निकलने वाला हूँ, वीडियो बनाने वाला हूँ, अपडेट होने के बाद भी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो यार, जितना हो सके उतना शेयर करो, मारो यार लाइक, मारो सब्सक्राइब, मारो यार। मिलते एक और नया वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।